कि आज यहाँ पर आई एम गोइंग टू ट्राई देयर बिरयानी मटन बिरयानी, उसके साथ 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 कुछ एक डिफरेंट मटन के, सॉरी मुंह में पानी आ रहा है, साथ साथ कुछ मटन के साइड्स होंगे। खुशबू जो आ रही है ना बॉस, अरोमा इज अमेजिंग। मटन बिरयानी कोफ्ती एंड रॉयल चाप। नमस्कार, स्वागत है। आज हम बड़ी इंटरेस्टिंग जगह पर हैं। बाग सर्कस के थोड़े से ही दूर पर एक है रॉयल इंडियन रेस्टोरेंट। यहाँ की बिरयानी हम खाने आए हैं, लेकिन मेरे साथ, मैं अकेला नहीं हूँ, बांग्लादेश के हमारे एक दोस्त फहीम साहब मेरे साथ हैं, उनको मैं आज पहली बार मिलूंगा। फहीम भाई आ गए हैं यहाँ पर। So I'm excited. भाई आप क्या खिला रहे हैं आज? मटन बिरयानी कोफ्ती खिला रहे हैं। अच्छा, और मटन चाप, रॉयल की स्पेशलिटी। मटन बिरयानी कोफ्ती एंड रॉयल चाप, जो पुट के गोश्त का बनता है। ओह, किसके गोश्त का? पुट के। पुट का गोश्त मतलब, पुट का गोश्त मतलब बकरी का पुट होता है। हाँ 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 हाँ, उसके गोश्त का बनता है। मजेदार बात क्या है कि हर जगह के खाने में हल्का सा फर्क है। जो हल्का जो तोफा था ओटा ही मजा। सर एटा होच्छे कि मटन कोफ्ता बिरयानी, ये जो छोटे छोटे कोफ्ता दे। करेक्ट बात, ये हुई ना बात। ये इन्होंने इंटरेस्टिंग चीज बताई, ये है मटन कोफ्ता बिरयानी। कोफ्ता बिरयानी कंट्रोल नहीं हो रहा इसमें आलू नहीं होता ना। रॉयल मटन है भाई, बिल्कुल बिना आलू के। हाँ, एकदम सॉफ्ट बिट्स है। हाँ, दम। हाँ, मतलब एकदम सॉफ्ट है। क्या बात है। ये रॉयल मटन चाप, क्या बात है भाई साहब। बांग्लादेश में इसको मोती बिरयानी कहते हैं। भाई को दीजिए, वहाँ दीजिए, वहाँ दीजिए, हमारे गेस्ट हैं भाई। थैंक यू सर। क्या बात है, क्या बात। सर राजकीय व्यापार बात, एक रॉयल टच है। बिरयानी इज ड्राई, इज नॉट ऑयली, एंड दिस चाप इज अमेजिंग। आपको बता दूं, बांग्लादेश का आतिथ्य कहते हैं आउट ऑफ द वर्ल्ड है, मुझे अभी से आइडिया मिला। ये कोलकाता में बैठ कर ही मेरे को जो आउट लो कर रहा है। मेरा बचपन का दोस्त आ गया भाई, बापी बॉस इज हियर। आ जा फहीम। ये दोस्तों, इसमें मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग, ये मैं जिसके लिए बहुत इंस्पायर्ड रहता हूँ कि हम लोग सब अलग अलग देश के हैं। जी सर। अलग अलग जात, अलग अलग धर्म के हैं। जी सर। लेकिन मजेदार बात है कि हम लोग सब खुशहाल रहना चाहते हैं, अपनी फैमिलीज के साथ खुश रहना चाहते हैं। एग्जैक्टली। और मैं जब ऐसे लोगों से मिलता हूँ, उनकी बातचीत ज़्यादातर लोगों तक पहुँचा पाता हूँ। मेरा ये यकीन है कि अगर हम हर रोज़ दो और लोगों को जान सकें, जी सर, तीन और लोगों से प्यार कर सकें, जो पांच और लोगों में पॉजिटिविटी बांट सकें हम लोग सब, तो ज़िंदगी और दुनिया अमेजिंग जगह हो जाएगी। एग्जैक्टली। एग्जैक्ट। हम चले एक खास जगह पर जिसका नाम है अरसलन। अरसलन हैज बीन माय एब्सोल्यूट फेवरेट, उधर की बिरयानी। तो हम लोग पहुंच गए भाई अरसलन, व्हिच इज एट द 7 पॉइंट्स पार्क सर्कस, इनका नया वाला एक फाइन डाइनिंग का जो रेस्टोरेंट। आज बहुत सालों बाद यहां पर मैं आया हूं, बहुत सालों बाद। तो स्वागत है बंधु, हम लोग अरसलन पहुंच गए हैं। मुझे जो अरसलन की खासियत ये लगाती है, दिस इज नॉट अ, मतलब इसमें कोई एक्स्ट्रा फ्रिल्स नहीं है इस जगह में। इस जगह में हार्डकोर कलकत्ते की बिरयानी मिलती है, जिसमें आलू तो होता ही है, साथ साथ शायद अंडा भी होता है। तो मेन चीज़ है कि आज यहाँ पर आई एम गोइंग टू ट्राई देयर बिरयानी, मटन बिरयानी। द एंटायर आइडिया इज टू कैप्चर द एक्सपीरियंस ऑफ अरसलन एंड शेयर विद यू। आप लोग प्लीज़ मुझे बताइएगा कि इस तरह के कैप्चर्स आपको कैसे लगते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट बात, मैं फूड का रिव्यूअर नहीं हूँ। अरसलन मटन बिरयानी, ये जो आलू का जो कलर है ना, समथिंग एल्स यार, गजब है। फर्स्ट थिंग दैट स्ट्राइक्स यू इज इसकी खुशबू, मसाला नहीं है, छू कर निकल जाता है। आहा, कीड़े का पानी डाला है,
चावल का एक एक दाना अलग है। ये ओल्ड वर्ल्ड ही बिरयानी है, ये वो नया कोई एक्सपेरिमेंटेशन नहीं है, पुराने तरीके का। इस आलू को ऐसे धोने आप, आहा आहा, खुशबू 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 और खुशबू। देखते हैं मटन की क्या रिपोर्ट, क्या टूटा है मटन। टू गुड यार। तो हमारे साथ बैठे हैं हमजा भाई। हमजा भाई कौन सा जनरेशन है आपका, आप लोग ये संभाल रहे हैं? तब भी कितने साल पुराने हैं दुकान? ये हमारी 2002 में स्टेब्लिश है। अच्छा 2002 से। अच्छा, तो इसकी खासियत क्या है, आपकी बिरयानी की खासियत क्या बताई जाती है? क्वालिटी है, वो ठीक है, मसाले जो हम देते हैं वो पूरा परख के ही यूज करते हैं। और उसके बाद एक बनाने का तरीका भी, बनाने तरीका है वो रेगुलर चेकअप पे है। क्या बात है, वो कभी भी मिस नहीं होता है। हर एक हांडी हम लोग पॉसिबली चेक करते हैं कि हाँ कौन सा है, कैसा हुआ, अगर कुछ रहा तो वो रिटर्न बैक चल जाता है किचन में। क्या बात, वो हम लोग आगे सर्व नहीं करते, वो आगे सर्व नहीं होते, चेक हो गया था, बहुत जरूरी है। आलू तक हम लोग चेक करते हैं क्या है, क्यों हो गया। आलू भी गजब था, इन फैक्ट दैट्स अ फैक्ट। वो आ जाता है वो सर, वो रिफाइन में रहता है, थोड़ा फ्राई होने के बाद थोड़ा लाल आलू में ऐसे भी आता है। अच्छा, और वैसे पूरा सोक सब्ज किया गया उसने सारा, वो उसमें मसाला भी थोड़ा रहता है मैरिनेट के, हां उसके बाद वो फ्राई हो जाता है, वो जज्ब हो जाता है, वो इसके उसके अंदर का टेस्ट एक अलग आता है, गजब सॉफ्टनेस बरकरार है। क्या बात है, क्या बात है, फैंटास्टिक, ऑल द वेरी बेस्ट। तो उम्मीद करता हूं आप लोगों को भी अच्छा लगा। असल एट द 7 पॉइंट एट पार्क सर्कस कोलकाता। So upon all set, Abhijit is here, which is a huge surprise, and we're going to take him out for an interesting lunch. What a surprise he pulled on me. 100 sonar ka aur ek ya ded lohar ka. Abhijit lohar ka, kya baat. So in the morning we are trying to locate this place, Abhijit, but we couldn't, and now we are trying again. This time it is important because in the morning we are just trying to locate it, this time we are going to be hungry. So here we are, Durgeshwari mess. We thought we'll come and eat something here. Fantastic. Aja, baithe baithe. This is the smallest place you've ever been. You really like to say that, right? Yeah. We are breaking bread together. Breaking bread. Yes. We are breaking biryani together. Breaking biryani together. Yes. तो हम लोग सब एडजस्ट हो गए हैं। अभिजीत हैज ऑर्डर्ड चिकन बिरयानी, आई हैव ऑर्डर्ड मटन बिरयानी, जयप्रकाश हैज आल्सो ऑर्डर्ड समथिंग, इज नॉट लुकिंग हियर। उमेश इज द ओनली वेजिटेरियन हियर, जस्ट टू लेट यू नो, नथिंग वेजिटेरियन हियर, है ना। अभी कुछ वेज में नहीं है, तो सर्वी थैंक यू, सॉरी फॉर दिस। चलो आ जाओ फैंटास्टिक। अच्छा अच्छा, जयप्रकाश हैज चेंज हिज साइड, अभी नॉन वेज। आज सुबह तक ही वाज नॉट हैविंग पीस, वाज जस्ट हैविंग रसा। जयप्रकाश, खुशबू जो आ रही है ना बॉस, पूछो मत, जोन में। सो द अरोमा इज अमेजिंग। साइज चावल का छोटा सा है, हाँ हाँ, मटन कीमा है। Excellent. How are you, ma? How are you? Wonderful. Very nice. My friend Abhijit. Yeah, yeah. Hello. आप क्यों नहीं देखे हमने? अच्छा, thank you so much. सब अच्छे रहते हैं। अभी हम आपके यहाँ खाने आ गए। Thank you. थोड़ा सा प्याज चाहिए। प्याज चाहिए मेरे दोस्त को। The keema that we have taken are meatballs, okay? Nearly bland, but they are succulent. And I'm so thrilled that Abhijit, you are there. I mean, this is the best part of the surprise. Yes, the tastiest part of it. This has to be the finest keema ball that I've ever eaten, ever. Kya baat hai? Zone mein bhai. And thank God that we don't know how to make it. That's why we are not making it, we are just eating it. That's right. Yeah. Ah. इतने स्वाद से मैंने किसी को नहीं देखा खाते हुए। Mm.
Kripal, thank you once again. Right at the end of the meal, the kamal ki cheez, I looked down at the plate and suddenly I discovered he is haddi mein mutton bacha hua hai. Khane ke baad to rasam ki baat hai. Thank you so much. Rasam? Nahi, thank you. The rasam is a must. Bachane ke liye. Rasam, rasam, hai. Sujit, lovely. My mother is cooking. Amma, Baba. My mother. Can I meet her once? Yes. Lovely. Bahut acha khaya. Thank you so much, Amma. Donne biryani and what an amazing meal it was. Amazing. Bahut acha laga. Bobi ji, dekho na. Aisa surprise bada kamal hota hai. Unko pata nahi tha hum yahan aane wale. Aur hum log aa gaye yahan par. Thank you so much. Inse puchiye kaisa raha experience. Bahut badhiya. Thank you sir. Maza aa gaya. Amma bahut acha hai. This is your son. Your wife was also here. Okay. Thank you so much. Thank you, sir. Best wishes. Thank you so much.